फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एक्सेल सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर बनाया है उधारी के लेन देन के लिए, मतलब उधार जो भी रहता है पार्टी वाइज आप उसको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आपका ये बिल अमाउंट इतनी इतनी तारीख को है और ये जो है आपने पेमेंट भेजा है, ठीक है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ये चल रहा है। ये आप देनदार के साथ भी कर सकते हैं और लेनदार के साथ भी, दोनों का आप कर सकते हैं। और इससे आपको आपकी आउटस्टैंडिंग पता चलती है कि आपको किससे कितना लेना है और किससे किसको आपको कितना देना है, तो इससे आपकी बैलेंस शीट जो है अब मैनेज होती रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपकी शॉप हो या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो या फिर अदर कोई भी बिजनेस हो, उसमें उधारी रहना तो कंपलसरी है। तो अभी उधारी रहती है तो वैसे तो देखिए कई ऑनलाइन ऐप भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या रहता है कि देखिए किसी भी पार्टी की डिटेल जो है, उस पार्टी का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और उससे आपका क्या लेन देन है, क्या व्यवहार है, तो वो जो है ऑनलाइन भी चढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये क्या है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, तो आप जब इसको यूज करते हैं तो ओनली आपके पास ही उस पार्टी का डाटा रहता है कि आपको किससे लेना है, आपको किसको देना है, आपके और आपकी पार्टी के बीच में ही जो है ये चीज़ रहती है, तीसरी किसी के पास ये चीज़ जो है नहीं रहती। तो इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। आपको मैं समझा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है जिससे आप अपनी पार्टीज का पूरा लेखा जोखा रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्टी लिस्ट में आएंगे। यहाँ पर देखिए दो फॉर्मेट बने हुए हैं, एक तरफ है डेटर्स और दूसरी तरफ है क्रेडिटर्स। एक तरफ देनदार जो आपको पैसा देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ लेनदार जो जिनको आपको पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पार्टी क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक पार्टी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसका आप कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं ताकि आप इनको कॉल करके बैकअप ले सकें। तो यहाँ पर इनका क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब इनकी एंट्रीज अपन करेंगे। कोई लेनदार पार्टी भी अपन क्रिएट कर लेते हैं साथ में। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये पार्टी क्रिएट कर ली है। इसका भी अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मेल आईडी है तो मेल आईडी भी डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। उसके बाद में डेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैं आपको एंट्री एक बार डिलीट कर देता हूँ सारी, ताकि आपको समझ में आसान रहे आने में। अभी जैसे मान लो आज की डेट है, आज की डेट में मैं कोई बिल बनाया हूँ तो उसका मैं अमाउंट डाल देता हूँ। कैटेगरी देखिए, जब आप ओनली बिल बुक करेंगे, ठीक है, देनदार पार्टी है तो ये आपको पैसा देगी। तो मान लो 50,000 रुपये से लेना है आपको और पार्टी का नाम जो है केशव इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। अभी मान लो ये जो है ओपनिंग बैलेंस है एक बार सपोज, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिमार्क में इसको ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मान लो 13 तारीख को इसका कोई बिल गया तो मैं बिल अमाउंट करूँगा और यहाँ पर मान लो 25,000 का बिल गया, ये पार्टी है, तो मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दूँगा अब कि भाई ये इनवॉइस गया है, ठीक है। अभी मान लो इस पार्टी से मुझे कोई पेमेंट रिसीव होता है, ठीक है, तो मान लो 15 तारीख को मुझे इस पार्टी से कोई अमाउंट रिसीव होता है। अभी मैं यहाँ पर बिल अमाउंट नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं रिसीव्ड अमाउंट सिलेक्ट कर लूँगा और मान लो मुझे इसमें से 20,000 रुपये रिसीव्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल डाल दूँगा, केस या बैंक जो भी है रिमार्क में। अभी जैसे मान लो इसका आपको ब्यौरा देखना हो, आपको स्टेटमेंट देना हो, तो यहाँ से आप पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको डेबिट दिखा रहा है 55,000 रुपये और यहाँ से आप पार्टी को प्रिंट आउट दे सकते हैं कि आपकी जो है ओपनिंग बैलेंस ये था, बिल ये बिल गया आपके पास और इतना पैसा आपने भेजा है, तो आपका बैलेंस रनिंग ये चल रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको देखना हो ओनली तो आप यहाँ पर जो है पार्टी में देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल्स का 55,000 रुपये अभी माइनस चल रहा है। इसी तरीके से लेनदार पार्टी है तो सेम टू सेम आप इसमें भी लेनदार पार्टी में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बिल बुक करना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर पार्टी अपन ने बिल एंड्स जो है सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई इनवॉइस नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो कोई भी रेफरेंस जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद में जब भी ये पार्टी जो है पेमेंट अपन इसको करेंगे, ठीक है, ये लेनदार है तो अपन इसको पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा पेड अमाउंट, तो यहाँ पर आप पेड अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लो मैं इसको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लो मैं इसको 25 तारीख को और 5,000 रुपये दे दिया, तो यहाँ से मैं स्टेटमेंट जो है अगले को पार्टी को भेज भी सकता हूँ, कि देखिए 15,000 बाकी है, आपका पहले बिल अमाउंट 30,000 था, उसके बाद में 10,000 भेजा है आपको 22 तारीख को, 25 तारीख को 5,000 भेजा है, तो आपका रनिंग बैलेंस 15,000 चल रहा है, ठीक है। इसका आप फोटो लेके भी भेज सकते हैं। अगर आपको खुद को देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल एंड सन्स का 15,000 रुपये अभी पड़ा है, उसको देना है। और यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो आपको पैसा आना है वो 55,000 रुपये है, और जो आपको देना है लोगों को वो है 1,45,000 रुपये। तो इस तरीके से आपकी कितनी भी पार्टियाँ होंगी उनका लेजर बन जाएगा, और जो है आप आसानी से उनका लेन देन का लेखा जोखा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें, और ये फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप सपोर्ट द चैनल।